उत्तराखंड के चमोली में एक सड़क बनने के 12 घंटे में ही उखड़ने लगी, जिसके बाद वहां की 15 साल की एक जागरूक बेटी ने पत्रकारों की तरह रिपोर्टिंग करते हुए सड़क का हाल दिखाया और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। मैं जो कल 15 तारीख को डामरीकरण हुआ है उसकी हकीकत दिखाने जा रही हूँ, चलिए मेरे साथ। आप देख सकते हो कल 15 तारीख को यहाँ पे जिस इस रोड पे देवर खड़ोरा की रोड पे जो डामरीकरण हुआ है उसकी हकीकत। हमें 1 इंच डामरीकरण करना था, पर यहाँ पे ये 0 साइज का पत्थर ये 1 सेंटीमीटर डामरीकरण, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, 0 साइज का पत्थर, क्या ये 1 इंच का पत्थर, क्या 1 इंच डामरीकरण हुआ है? ये हमारी पुरानी रोड है जिसके ऊपर बस ये इतना, जिसमें ना ही कोई कोलतार है, ना ही कुछ है, बस हाँ बस। और यहाँ पे देख सकते हो आप सारी जगह मोड़ ही मोड़ है और सारी मोड़ पे आपको इसी तरीके का डामरीकरण दिखेगा, फिर नाली इस साइड है और आप देख सकते हो ये है इनका कोलतार का काम, इसमें 1% 0% मतलब ना की मात्रा में कोलतार है। अगर कोलतार भी मिलावट वाला है, अगर उसमें कुछ होता तो ये पूरा चिपक जाता, जो कि एक बच्चे के हाथ से लगे। नीचे वाला कोलतार भी नहीं डाला जब, हाँ ये नीचे जो स्प्रे होता है ब्लैक कलर का वो भी नहीं है। अगर इसमें जब ये एक बच्चे के हाथ से इस तरीके से निकल रहा है तो सोचिए 1 महीने के अंदर इस रोड का क्या हाल होगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी हरकत में आए और आनंद खानन में ही सड़क को दोबारा बनवा दिया गया। हालांकि दूसरी बार में फिर वही हाल रही और सड़क दोबारा से उखड़ने लगी। इलाके की उस बिटिया सुहानी बीस्ट ने एक बार फिर सड़क की हालत दिखाकर भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सुबह को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी देवर खडोरा रोड पे जो डामरीकरण कल 15 तारीख को किया गया था, उसके सपोर्ट पे मैं आपको उसकी हकीकत दिखाने के लिए मैंने सुबह को एक वीडियो अपलोड की थी। तब उन्होंने ये वीडियो देखी तो उन्होंने हमें कहा कि हम इस काम को दोबारा से करवाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें साफ कह दिया था कि अगर यहाँ पे काम दोबारा से नहीं किया गया या रोड दोबारा से ढंग से नहीं बनी गई तो हम ये काम आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना ही हम मशीनों को स्टार्ट होने देंगे। इस वजह से वो लोग आकर के उन्होंने हमसे कहा था कि उन्होंने पूरे गाँव वालों को कहा था कि हम इस काम को वापस करेंगे। तो मैं आपको उनका काम दिखाना चाह रही हूँ जो उन्होंने अभी दिन में किया। सुबह 10 बजे मैंने अपलोड की थी और उसके ऊपर का दोबारा काम मैं आपको इसके ऊपर का जो दोबारा डामरीकरण किया है, ये आपको लगता है इसमें कोई क्वालिटी है? ये इसमें ना ही कोई कोलतार की क्वालिटी, ना ही एकदम जीरो क्वालिटी का है, ना मात्रा में, ना ही इसमें कोलतार है। ये देखिए आप एक हाथ, ये किसी बच्चे के हाथ से जब ये इस तरीके से निकल रहे तो ये रोड बाइक के चलने से या 1 महीने के अंदर ही किस तरीके से डैमेज हो जाएगी आप ये देख सकते हैं। आप इधर आ सकते हो, ये देखिए ये है यहाँ की रोड की हाल, ये दरारे पड़ी, ये देखिए ये दरारे पड़ी हुई है, ये कल का कोलतार है। देखो ये है, ये कल का कोलतार है। अगर कल का कोलतार एक बार ठंडा होने के बाद इतना हार्ड हो जाता है कि वो टूटता नहीं, टूटने से भी नहीं टूटता। और ये इसका हाल आप देख सकते हो, ये देखिए ये है इस रोड देवर खुडारा रोड की हाल। मैं आपको दिखा रही हूँ आटे की जगह हमें मिला था कि हमें इस रोड का जो जितने भी अधिकारी हैं उनसे कहा गया था कि उन्होंने हमें कहा था कि हम 1 फीट पूरा 1 इंच हम लोग डामरीकरण करेंगे, पर आपको 1 इंच क्या ये देखिए ये है, ये हमारी पुरानी रोड है जो कि आज से 15 साल या 10-15-16 साल पहले डामरीकरण हुई थी। बहुत अच्छी तरीके से डामरीकरण हुई थी, उसमें पूरा 1 इंच डामर पड़ा था, 1 इंच डामर था। पर आप कल की ये देखिए 4 इंच डामरीकरण किया गया था जो पहले 15 साल पहले किया गया था, और 15 साल के बाद आज जो डामरीकरण किया है आप इसे देख सकते हो, 1 इंच के बदले 1 सेंटीमीटर बस ये कंक्रीट ऐसे इस तरीके से बिछाए हैं। आप ये रोड का एंड देख सकते हो, ये हमारी पुरानी रोड है और ये इसके ऊपर डामर है जो कि बिल्कुल ना मात्रा में, ऐसे जब ये डामर निकल रहे तो सोचिए इस रोड का क्या हाल होगा। मैं आपको और आपको बता दें कि चमोली के घिंगरान स्थित देवर खडोरा क्षेत्र में एक सड़क काफी बुरी हालत में थी। स्थानीय लोगों की काफी शिकायतों के बाद वहां डामरीकरण कराया गया, लेकिन उसमें काफी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया जिसे देखकर लोगों ने विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने यह कहकर कोई बात नहीं सुनी कि इसका कमीशन ऊपर तक जाता है। न्यूज़ डेस्क।